वो क्लच मिल रहा है, मैनुअल है, ये IMT के प्राइस पे ही आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ये कार भाई बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आप कहोगे भाई क्या स्पेशल है इसमें, तो सेल्टोस का बेस वेरिएंट ही है, हमें इधर से पता चल रहा है। बट भाई जो स्पेशल है ना इसमें, दिखा दूं मैं आपको, पहले ना अंदर से दिखाता हूं। पहले ना इस कार में भाई क्लच नहीं आता था, देखो क्लच मिल रहा है, ठीक है जी, मैनुअल है ये कार, ये देख लो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब कुछ आपको सेम लग रहा होगा। बट जो मेन चीज है भाई, फाइनली बहुत ही ज्यादा ना एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये है भाई डीजल मैनुअल। इधर आप पढ़ सकते हैं CRDI, यानी कि 1500 सीसी का इसमें आपको डीजल इंजन मिलता है। और जो सबसे मेन अट्रैक्शन है, ये कार है मैनुअल, तो सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेना। इसमें आपको मिल जाता है 1500 सीसी का डीजल इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है 114 bhp विद 250 Nm ऑफ टॉर्क। और इसी के साथ साथ इसे हम कर देते हैं बंद, हुआ नहीं बंद, ये ऐसे कर देते हैं बंद। इससे पहले आपको पता होगा भाई, क्रेटा में ना सबसे पहले, मतलब कि जब ये न्यू क्रेटा आई है तब 1.5 डीजल मैनुअल इन्होंने लॉन्च कर दिया है। बट क्रेटा आपकी ना महंगी चल जाती है, बट जो ये कार है भाई ये IMT के प्राइस पे ही आती है, यानी कि एक्स शोरूम आपको पड़ती है 12 लाख रुपए। इनिशियली आपको पता ही है भाई IMT में ही आती थी, बट अब जो बढ़िया काम करा है भाई किया ने, कि ये दे दिया इन्होंने मैनुअल में, जो कि भाई बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यार हमारे इंडिया में लोग IMT पे नहीं जाते हैं। मैं अपनी बात करूं भाई, मैं देख लो डीजल मैनुअली चला रहा हूं, ये वरना 1.5 सेम इंजन इसमें आता है। एंड इस चीज की ना डिमांड भाई बहुत पहले से थी, जब ये न्यू सेल्टोस लॉन्च हुई थी, बट वो ये भाई पहले क्रेटा ने लॉन्च करा, तो इन्होंने सोचा हम मार्केट में पीछे क्यों रहे, हम भी लॉन्च कर देते हैं, और अब ये आ चुकी है। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, 12 लाख रुपए। क्रेटा आपको होता है भाई महंगी चल जाती है, ये आपकी सस्ती है। IMT की देख लो भाई, इधर बैजिंग भी नहीं है, क्योंकि ये फाइनली मैनुअल आ चुकी है। अभी तक ना आपने इंटरनेट पे ना इसकी वीडियो भी नहीं देखी होगी भाई स्पेसिफिकली बेस वेरियंट की, क्योंकि जो बेस वेरियंट है ना भाई, ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरियंट रहता ही है। इधर से बस ये हट जाना तो पता भी नहीं चलता कि बेस वेरिएंट है, मतलब बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। बट यस, उसी के साथ साथ आज मैं आ रखा हूँ भाई TLG किया। स्क्रीन पे ना आपको नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको कोई भी कार लेनी है, अगर ये डीजल मैनुअल में लेनी है, इधर से आप ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड ना आपको बहुत ही कम इधर मिलने वाला है। बट हाँ, इसी के साथ साथ कार की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाती है अराउंड 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। एंड फ्रंट से बात करें, ऑल न्यू ग्रिल मिल जाती है, फ्रंट फेशिया भाई चेंज हो रखा है, किया का लोगो इधर मिल जाते हैं। और व्हाइट कार भी देखो भाई, गंदी हो जाती है, जो लोग कहते हैं गंदी नहीं होती। बाकी ग्रिल की बात करें, ग्लॉस ब्लैक ग्रिल इसमें आपको नहीं मिलती है। एंड यस, ये ना HTE, HTK, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस में अवेलेबल है, डीजल मैनुअल की बात कर रहा हूं। GT लाइन, X लाइन में भाई आपको वही ऑटोमेटिक पर ही जाना पड़ेगा। एंड इसी के साथ साथ हेडलाइट यूनिट की बात करें, हेलोजन आपको सेटअप मिलता है, ये देख लो प्रोजेक्टर है। लो बीम, हाई बीम आपको हेलोजन ही मिलती है। इंडिकेटर आपको मिल जाता है, जो कि अगेन आपको हेलोजन मिलता है। कोई फॉग लाइट आपको नहीं मिलती है, बट हाँ टॉप वेरिएंट्स में आपको फॉग लाइट मिल जाती है, क्रेटा में आपको फॉग लाइट भाई नहीं मिलेगी। स्किड प्लेट आपको भाई ग्रे कलर की मिल जाएगी। एंड हाँ, अब साइड में आ जाते हैं, ऐसी कुछ है भाई इसकी क्लैडिंग, ठीक ठाक लगती है, मतलब कि ज्यादा बड़ी नहीं लगती है। बट टायर साइज की बात करें, 205R16 इसका टायर साइज है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि बढ़िया बात है, आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। बाकी डोर हैंडल्स की बात करें, कोई ब्लैकआउट डोर हैंडल्स नहीं है, जो कि बढ़िया बात है, मतलब कि बेस वेरिएंट वाली फील ना बस ये इधर से देता है, क्योंकि फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। ORVMs पे आप देख सकते हैं कोई इंडिकेटर भी नहीं है, ना ही कोई रूफ रेल है, ना ही कोई सनरूफ है। बट जो अच्छी बात है, शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है। और जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है ना भाई, ये देख लो पीछे ना आपको सनशेड्स मिल जाते हैं, बेस वेरिएंट में आपको सनशेड्स मिल रहे हैं। भाई मैंने पहले भी बोला है, अभी भी यही बोलूंगा, कि क्रेटा से बेटर डील ना मुझे तो पर्सनली सेल्टोस ही लगती है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं बेस वेरिएंट की। बाकी बात वही है भाई, वेरिएंट टू वेरिएंट भी ना बहुत चीजें मैटर करती हैं, बट हाँ बेस वेरिएंट में तो भाई ये आगे आपकी निकल ही जाती है। अब रियर लुक की बात करें ना, इधर आपको सारा हेलोजन ट्रीटमेंट मिलता है, जो इंडिकेटर चल रहा है भाई ये भी हेलोजन है, टेल लाइट भाई इसकी हेलोजन है, रिवर्स लाइट इसकी हेलोजन है। बाकी तो हाँ कनेक्टिंग ये नहीं होता है, इधर आपको लोगो तो मिल जाता है किया का, बट इधर भी आपकी लाइट नहीं जलती है, जस्ट ये शो के लिए। अपर वेरिएंट्स में ना इधर तक आपकी लाइट जल जाती है, ना ही कोई रियर डिफोगर है, ना ही कोई रियर वाइपर है। बट जो अच्छी बात है, चार पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, दो पार्किंग सेंसर नहीं है। महिंद्रा आप देख रहे हो ये वीडियो, आई नो नहीं देख रहे होंगे, आप बस अपनी वीडियोस देखते हैं। बाकी बूट स्पेस की बात करें, अराउंड 433 लीटर्स का ना इसका बूट स्पेस है, कोई पार्शियल ट्रे वगैरह आपको नहीं मिलती है, 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। क्रेटा में ना आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, ये एक भाई प्लस पॉइंट क्रेटा में आ जाता है। बाकी बूट लाइट वगैरह आपको नहीं मिलती है, स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है, जो कि अगेन सेम साइज का है, 205R16। जैसे मैंने आपको बताया बेस वेरियंट है, तो बेस वेरियंट में भाई यही सीन रहता है, बाकी आप इसे ऐसे बंद कर देना। अब इसकी कोई PDI वगैरह हो रही थी,
जस्ट अभी अभी ये कार आई है भाई, पहली बार ही शोरूम में आई है वाली कार, मतलब कि डीजल मैनुअल आपको पता ही यार बहुत रेयरली अभी हमें देखने को मिल रही है क्योंकि अभी न्यूली लॉन्च है ना। बाकी तो हाँ, नीचे अगेन आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर की, इधर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, इधर से आप इसमें डालेंगे डीजल, वही 50 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, अंदर से भाई खोलना पड़ेगा, बट हाँ डेफ भी इधर से ही डलता है। अब बताओ 1.5 में भी डेफ डलने लग चुका है। सो इस बाहर से भाई ओवरऑल कार आपकी कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं कार के अंदर, अंदर से देखते हैं भाई इसमें क्या चेंजेस हैं। जो मेजर चेंज है वैसे मैंने आपको दिखाई दी है क्या है क्या नहीं, बट उससे पहले की बात करें ना, ऐसी कुछ है भाई इसकी की, या किया की जो की है ना बहुत ही प्रीमियम लगती है। देखो किया का लोगो, दोनों फ्लिप की हैं, क्रोम ट्रीटमेंट दोनों की में आपको मिलता है, लॉक अनलॉक होल्ड का इधर आपको बटन मिल जाएगा। बाकी की में इधर वापस से लगा देता हूं, इधर आपको मिल जाता है ट्रैक्शन ऑफ का बटन और टर्न ऑफ का बटन, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम। जो सबसे सैड बात है, ओआरवी हम आपको ऐसे ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, बेस वेरियंट है भाई क्या कर सकते हैं, बट हाँ फिलहाल के लिए इसे हम कर देते हैं बंद। और ये देख लो भाई ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर, लाइट्स वगैरह ना मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ कार को एक बार स्टार्ट, ये लो स्टार्ट कर दिए, रिफाइनमेंट देख रहे हो भाई, और ये देख लो क्लच तो आया है भाई, नहीं तो IMT, अभी एक दोस्त ने लिया है भाई IMT डीजल बेस मॉडल, इतनी माड़ी हुई है ना उसके साथ, मतलब वो खुद बोलता है, मैं मेरी थिंकिंग नहीं है, अब तो ले ली वो लगवाते हैं, वो खुद बोलता है भाई पहले हो जाता तो मैं भी मैनुअल ले लेता, क्योंकि प्राइसिंग तो देखो सेम ही है ना। बाकी यस ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम, लॉक अनलॉक, पावर विंडोज के कंट्रोल, हार्ड प्लास्टिक है सारा, ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको दिखेगा, मतलब इसे छोड़ दो, हल्का फुल्का वो डार्क ग्रे सा ट्रीटमेंट मिल जाते हैं। बाकी सीट एडजस्टमेंट की बात करें, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, कंफर्टेबल तो भाई ये कार रहती ही है। और इधर से ना आप अपनी MID भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये देख लो भाई यूरिया, नाइस नाइस नाइस, वही बेसिक फंक्शन आपको मिल जाते हैं। TPMS भाई इसमें नहीं मिलता है, बट हाँ 101% भाई डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बाकी तो स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भाई ये नहीं है, नॉन लेदराइज्ड है, इधर से आप अपनी हेडलाइट कंट्रोल करेंगे, वाइपर कंट्रोल आपको इधर मिल जाते हैं, एंड सेंटर कंसोल की बात करें कोई स्क्रीन वगैरह आपको नहीं मिलती है, मैनुअल AC मिलता है जो कि ठीक है, क्या कर सकते हैं बेस वेरियंट है, ये आपको माइंड में जरूर रखना पड़ेगा। 12 वोल्ट का सॉकेट इधर आपको मिल जाएगा, सी टाइप सॉकेट मिल जाएगा जो कि प्लस पॉइंट है, इधर खाली स्पेस है, और ये देख भाई कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है गियर नॉब पे, ये देखो बेस मॉडल वाली फील तो भाई इंटीरियर से आपको आएगी ही आएगी। मैनुअल हैंडब्रेक, 2 कप होल्डर, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाती है, ऐसी कुछ है स्पेस, एंड ये ग्लव बॉक्स की बात करें ऐसी कुछ इधर आपको स्पेस मिल जाती है। IRV में आपको मैनुअल ही मिलता है, इधर आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। कैबिन लाइट की बात करें भाई हेलोजन कैबिन लाइट है, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, इधर आपको मिरर मिल जाता है, कोई सनरूफ वगैरह नहीं है। सीट कवर्स की बात करें भाई फैब्रिक सीट कवर्स हैं जो कि कंफर्टेबल भाई रहते ही हैं। एंड यार आज के टाइम में अगर आपको डीजल इंजन चाहिए तो इससे बेटर ऑप्शन भाई नहीं है। 12 लाख एक्स शोरूम ऑन रोड, मतलब अंडर 15 लाख अगर आपको कोई कार चाहिए ना तो ये ले लो, ऊपर से 1 लाख इसमें भाई लगेगा अलॉयज वगैरह स्क्रीन वगैरह, तो कहीं ना कहीं भाई बहुत ही बढ़िया डील है। मैं खुद ये इंजन चला रहा हूँ, इसमें माइलेज आपको मतलब वरना में दे देती है मुझे ये 22 तक की, तो इसमें आपको 20-21 तो आराम से मिल ही जाएगी, वो ये चलाने पर डिपेंड करता है भाई। वैसे ये है Phase 2, मेरी है BS6, मतलब ये है BS6 Phase 2, मेरी है BS6, तो उधर भी थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, लोग कहते हैं कि माइलेज कम हुई है, बट मुझे ऐसे देखो इतना लगता नहीं है। बट एनीवे आगे से कार कुछ ऐसी है, बहुत ही जबरदस्त लग रही है भाई मुझे तो। आई नो बस ये क्लच ही आया, बस ये क्लच से ना एक वो अपनेपन वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि IMT यार बड़ा अजीब है चलाना यार, मैंने चला रखी है, बहुत ही उसके ड्रॉबैक्स हैं, बट मैनुअल इज मैनुअल, मतलब ये ओल्ड स्कूल चीजें ना बेस्ट होती है, जैसे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना। बट एनीवे अब हम चलते हैं रियर में, रियर डोर ट्रिम की बात करें भाई ऐसा कुछ है रियर डोर ट्रिम, पावर विंडोज के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, बोतल होल्डर स्पेस जैसे मैंने आपको बताया, सनशेड भी आपको मिल जाता है। अंदर चलते हैं, ये देख लो भाई रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, 2 C-type सॉकेट मिल जाते हैं, इधर आपको स्पेस मिल जाती है, कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, ना ही कोई सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, सेंटर आर्मरेस्ट तो दे देनी चाहिए थी यार, बट बात वही आ जाती है भाई बेस मॉडल में क्या क्या दें। इधर आपको अगेन कैबिन लाइट मिल जाती है, ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, एंड डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक है। सो यस फिलहाल हम इसे कर देते हैं बंद, एंड मेजरली ना इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको यही दिखाना था कि भाई फाइनली डीजल मैनुअल किया सेल्टोस शोरूम में आनी शुरू हो चुकी है। एंड अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें, 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, अब किया सेल्टोस में ना आपको एस स्टैंडर्ड मिलता है। अब देखते हैं भाई जब इसकी भारत एनकैप में टेस्टिंग होगी क्या ये स्कोर करती है। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना कि भाई आप इस पर जाओगे या फिर अभी भी क्रेटा पर जाओगे। अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको बेस मॉडल लेना है और स्पेसिफिकली डीजल मैनुअल लेना है और अपने थोड़े बहुत पैसे बचाने हैं तो भाई ये वेरियंट बेस्ट है। बट यस तभी मैंने आपको बोला भाई कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन भी जरूर देना, जो खासकर लोग क्रेटा पे जाएंगे वो तो अपने ओपिनियन जरूर लिखना कि भाई आप क्यों क्रेटा पे जाओगे। बाकी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।